लड़के इस वीडियो को अकेले में देखेंगे, पूरे परिवार के साथ नहीं देख सकते हैं। और लड़कियां अकेली ना देखें, वो अपनी किसी सहेली के साथ, दादी जी के साथ, माता जी के साथ देखें, जिसके साथ वो थोड़ी खुलकर बात कर लेती हैं। इस वीडियो में कोई सामान्य वीडियो नहीं, जो जानकारियां दी गई हैं वो आपको किसी गूगल के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर नहीं मिलेंगी। इस वीडियो को बनाने के लिए एक 36 साल का तप है और उन सिद्धांतों को, उन बातों को सिद्ध करने के लिए सैकड़ों परीक्षण किए गए, बहुत रिस्क लेकर के, तब जाकर के ये वीडियो बनी है। इस वीडियो में बिल्कुल इतनी स्पष्टता से बता दिया गया है, यदि कोई अपने आप को कहता मैं बाल ब्रह्मचारी हूं, ये वीडियो तुरंत बता देगी ये बाल ब्रह्मचारी है कि नहीं है। यदि आपने देखना कि कोई ब्रह्मचर्य नाश करता है, कुचेष्टाएं करता और वो कहता मैं नहीं करता, तो ये वीडियो वो भी बता देगी कि इसने कुचेष्टाएं की हैं कि या नहीं की हैं। तो ये बहुत विशेष वीडियो है, कोई भी लड़की देखेगी उसे पता चल जाएगा उसका विवाह होगा तो कि ये आदमी तो ब्रह्मचर्य नाश करता था। माता पिता को भी पता चल जाएगा कि मेरा बच्चा ब्रह्मचर्य नाश करता है। बताऊं, एक तो बहुत विशेष बात है, ये तो देखते ही पता चलेगा ये आदमी बाल ब्रह्मचारी है, ऐसी पहचान मैं आपको बताने जा रहा हूं। ओम सभी को नमस्ते जी। आज हम वीडियो डालने जा रहे हैं बाल ब्रह्मचारी की पहचान, कि क्या पहचान होती है। कोई कहे कि मैंने अपनी उपस्थित इंद्रियों के साथ, मलमूत्र त्यागने वाले स्थानों के साथ कभी कुछ चेष्टा नहीं की, उसकी क्या पहचान है। और आज की हमारी वीडियो इस पर भी है, जो ब्रह्मचर्य नाश करते हैं उसकी क्या पहचान, उसको कैसे पहचाने कि ये ब्रह्मचर्य नाश करता है, दोनों इस वीडियो में आ जाएंगे। इस वीडियो के पीछे कई साल से हमारा प्रयास था कि ये वीडियो डालें या ना डालें, क्योंकि इसके परिणाम कुछ गलत भी आ सकते हैं, क्योंकि लोगों को पता चल जाएगा, कोई भी लड़की देखेगी उसे पता चल जाएगा उसका विवाह होगा तो कि ये आदमी तो ब्रह्मचर्य नाश करता था। माता पिता को भी पता चल जाएगा कि मेरा बच्चा ब्रह्मचर्य नाश करता है। तो इसके तत्काल में कई परिणाम बुरे भी आ सकते हैं, लेकिन भविष्य के लिए बहुत अच्छे हैं। लेकिन कोई बहन, माता पिता जो भी इस वीडियो को देख रहा है, मैं उससे एक निवेदन जरूर करूंगा, वीडियो अंत तक देखना, बीच में मत छोड़ना। सबसे पहले मैं बात करने जा रहा हूं कि ब्रह्मचर्य की, जो बाल ब्रह्मचारी की जो पहचान है, जो ब्रह्मचर्य नाश करता है, उसमें क्या अंतर होता है। सबसे पहला जो अंतर पड़ेगा, उनकी जो मूत्रेंद्रिय है, मलमूत्र त्यागने का स्थान है, उसके आकार में अंतर आएगा। जो बाल ब्रह्मचारी होता है, बिना उत्तेजना के उसकी मूत्रेंद्रिय का आकार बहुत छोटा रहता है, और जो ब्रह्मचर्य नाश करता है, बिना उत्तेजना के भी उसकी मूत्रेंद्रिय का आकार बहुत बड़ा रहता है। जैसे आप ये दोनों सेम स्प्रिंग है, एक ही जगह प्रयोग होते हैं, लेकिन ये यूज हुआ हुआ है और ये ताजा है, आप देख सकते हैं इन दोनों के साइज में कितना अंतर है, ये बड़ा है और ये छोटा है। तो इस तरह इनकी मूत्रेंद्रिय में अंतर पड़ जाता है। तो जो बच्चे आप देख रहे हैं, जो 14-15 साल के बच्चे हैं, आप जिनके कच्छों में हिलते दिखते हैं ना ये अंग, तो ये ब्रह्मचर्य नाश का परिणाम है। जो अलग से तोरी सी लटकती रहती, बस मेरी आदत सी थोड़ी सी दूसरी है, माफ करना, जो ये अलग से इनके लटकते दिखते हैं ना ये, इसमें से मैं कहता हूं 95% ब्रह्मचर्य नाश का परिणाम है ये, क्योंकि उन्होंने अपनी मुतेंद्री के साथ कुछ चेष्टाएं करके उसका अंग बहुत, वो साइज उसका बढ़ा लिया है, तो सीधा सीधा। लेकिन इसमें कुछ ऐसे भी होंगे, इसमें कुछ ऐसे भी होंगे जो ब्रह्मचर्य नाश तो करते हैं लेकिन बिना उत्तेजना के भी उनकी मूत्रेंद्रिय का आकार छोटा रहता है, ऐसे भी कुछ आपको मिलेंगे। अब वो क्या कारण होता है, जिनकी मूत्रेंद्रिय का आकार छोटा है, अब वो कैसे पता चले ब्रह्मचर्य नाश करता है कि नहीं करता है, उसका कारण क्या है। जो मूत्रेंद्रिय का आकार छोटा है लेकिन वो मोटी मिलेगी, उसका आकार थोड़ा सा मोटा हो जाएगा, ये उसका विशेष उसमें रहेगी। और अगली बात है, जो बाल ब्रह्मचारी होगा उसकी जो मूत्रेंद्री है, मूत्रेंद्री के जो आगे का हिस्सा, मान लीजिए मूत्रेंद्री है, मूत्रेंद्री का आगे का हिस्सा पतला मिलेगा, पैना मिलेगा। और जैसे मान लीजिए मूत्रेंद्री है तो उसका आगे का हिस्सा जो होगा ये पतला मिलेगा, पैना मिलेगा, और पीछे से फिर वो मोटा होता जाएगा। जो बाल ब्रह्मचारी है, जो ब्रह्मचर्य नाश करते हैं, उसका क्या होगा, मूत्रेंद्रिय का अगला हिस्सा भी थोड़ा सा बड़ा सा हो जाएगा, थोड़ा सा चौड़ा सा हो जाएगा, पैनापन उसमें इतना नहीं रहेगा, रहे तो होगा उसमें भी, पर इतना नहीं रहेगा जितना बाल ब्रह्मचारी में रहेगा। और जो ब्रह्मचर्य नाश करते हैं उनका मूत्रेंद्रिय का आगे का हिस्सा भी मोटा हो जाता है, आगे का हिस्सा मोटा हो जाता है, और जो बाल ब्रह्मचारी होते हैं उनका आगे का हिस्सा पतला और पीछे से फिर वो मोटा होता
जाता है। तो ये तो मुख्य सी पहचान मैंने एक आपको बताई है, सबसे पहली पहचान जिसको सामान्य हम देख करके बता सकते हैं, जिसका जो बच्चे है ना जिनका अलग से हिलता बड़ा सा दिखाई देता है, अलग से दिखाई दे जाता है तो ब्रह्मचर्य नाश करता है। यदि वो बाल ब्रह्मचारी है तो छोटे बच्चे की तरह उसकी मुत्रेंद्री होगी और उत्तेजना होने पर ही वो अपना आकार लेगी, बिना उत्तेजना के वो अपना आकार नहीं लेगी। तो पहली बात मैंने आपको बता दी है, सीधा यानी कि उसका आकार बड़ा मिलेगा। और दूसरी बात, यदि जो बाल ब्रह्मचारी है जैसा उसका स्वयं का रंग होगा वैसा ही उसकी मुत्रेंद्री का रंग होगा। जैसे मेरा रंग गोरा है तो मुत्रेंद्री भी का रंग भी सफेद मिलेगा। यदि वो गलत काम करता है तो फिर उसका रंग काला पड़ जाएगा। जैसे आप ये दो देख रहे हैं, ये बिल्कुल फ्रेश है, ताजा ही चमकदार है और इसका रंग काला पड़ गया है। इन दोनों में आप ये अंतर भी देख रहे हैं, रंग में अंतर पड़ जाएगा। तीसरी बात, जो बाल ब्रह्मचारी होगा उसकी मुत्रेंद्र में कड़कपन मिलेगा, ढीलापन नहीं मिलेगा, उसकी नसें मजबूत मिलेंगी। और जो बाल ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करेगा, ब्रह्मचर्य नाश करेगा, उसके अंदर ढीलापन आ जाएगा। जैसे ये थोड़े से में हिल रहा है ऐसे उसके अंदर ढीलापन आ जाएगा। इसलिए ये जानकारी कई साथियों ने मुझे दी है जिनके पुरुषों के साथ संबंध बनते हैं, उन्होंने बताया कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिंग में ज्यादा कड़कपन होता है, मुत्रेंद्र में ज्यादा कड़कपन होता है, और जैसे जैसे बड़े होते हैं तो उसके अंदर ऐसे लचीलापन ढीलापन आ जाता है। तो ये दूसरी बात आपने ये देखी, और पहली बात हो गई लिंग आकार बड़ा होना, दूसरी बात हो गई उसका रंग, तीसरी बात हो गई उसमें ढीलापन, और चौथी बात जो ये भी बहुत मुख्य बात है जो मैं बताने जा रहा हूं, मूत्रेंद्र के अगल जो मूंड चरम है, जो हमारी मूत्रेंद्र का अगला भाग जो मणि है, जिसको मणि रूप में जो होती है, उसके ऊपर जो चमड़ी होती है वो ढकी हुई मिलेगी। जो बाल ब्रह्मचारी होगा, बाल ब्रह्मचारी की चमड़ी ढकी हुई मिलेगी, और यदि बाल ब्रह्मचारी का जब यदि मूत्रेंद्री उत्तेजना में है तो वो चमड़ी पीछे नहीं जाएगी, वो आगे ही ढकी रहेगी। आप कोशिश भी करेंगे तो वो नहीं जाएगी, वो आगे ही रहती है। जो ब्रह्मचर्य नाश करते हैं उनकी ये जो रबड़ है, ये जो चरम मुंड बहुत लूज हो जाता है, आराम से वो पीछे चला जाता है, बिल्कुल अलग से वो मुड़ी सी निकल जाती है। जो हमारे लिंग मुंड है ना मूत्रेंद्री का अगला भाग, वो अलग से ही हो जाता है। जैसे ये पेन है, आप देखिए इसकी जो एक कैप है, ये ऐसे लूज सा हो जाता है, ऐसे लूज सा, उसके अंदर कोई मजबूती नहीं रहती है। तो जो बाल ब्रह्मचारी होगा, बाल ब्रह्मचारी की मूत्रेंद्री का जो अगला हिस्सा खाल, वो बिना उत्तेजना के ही पीछे जाएगा, वो सफाई आदि के लिए। जब उसके अंदर उत्तेजना होगी तो वो आगे ही रहेगा, पीछे नहीं जा पाता। तो ये भी एक विशेष पहचान है, जो ब्रह्मचर्य नाश करते हैं उनका आराम से एकदम पीछे हो जाता है, वो मूत्रेंद्री की जो अगले आगे की खाल है वो आराम से पीछे हट जाती है, लेकिन बाल ब्रह्मचारी की वो पीछे नहीं हटेगी। एक ये बात आई, और मैं आपको बताऊं जो अंडकोश है हमारे, जो मूत्रेंद्र के नीचे जो लटके रहते हैं, जो थैली सी लटकी रहती है, वो जो बाल ब्रह्मचारी होगा उसकी बहुत छोटी मिलेगी, छोटाकार मिलेगा, लेकिन जो ब्रह्मचर्य नाश करते हैं उनकी बहुत ढीली हो जाती है और लटक सी जाती है, उसका आकार भी बड़ा हो जाता है, लेकिन बाल ब्रह्मचारी के वो अंडकोश बहुत छोटे छोटे मिलेंगे, वो ढीले लटके हुए बड़े से ऐसे वो नहीं मिलेंगे। और इसके अलावा जो बाल ब्रह्मचारी है उसकी जो मूत्रेंद्री है, मूत्रेंद्री के जो सुराख होता है जहां से हमारा मूत्र हमारी धातु निकलती है, वो सुराख की चौड़ाई बहुत कम होगी, वो सुराख भीड़ा होगा, लेकिन जो ब्रह्मचर्य नाश करते हैं उनकी उस सुराख की चौड़ाई भी ज्यादा हो जाती है, सुराख उसकी वो छेद भी फैल जाता है। और इससे एक और अनुमान लगाया जा सकता है, जो बाल ब्रह्मचारी होगा उसकी पेशाब की धार भी पतली मिलेगी और दूर तक जाएगी, जो ब्रह्मचर्य नाश करता है उसकी पेशाब की धार मोटी हो जाएगी और दूर तक भी नहीं जाएगी, जो पेशाब करता है तो पास में ही गिरेगी, तो छेद का भी एक इसमें वो है। और मैं आपको बताऊं एक तो बहुत विशेष बात है, ये तो देखते ही पता चलेगा ये आदमी बाल ब्रह्मचारी है, ऐसी पहचान मैं आपको बताने जा रहा हूं। जो मूत्रेंद्री होती है हमारी, मूत्रेंद्री मान लीजिए ये हमारी मूत्रेंद्री है, या ऐसे देखिए ये मूत्रेंद्री है और ये यहाँ का ईसाई हमारी जांग है, यहाँ पर ये मूत्रेंद्री है, यहाँ तो सबके बाल होते हैं मूत्रेंद्री के नीचे, तो मान लीजिए यहाँ नीचे तो ये यदि इसको माने तो नीचे तो सबके बाल होते हैं ऐसे, लेकिन यदि बाल ब्रह्मचारी बिल्कुल प्योर अनटच है तो उसकी मूत्रेंद्री के ऊपर भी बाल उगे मिलेंगे, मूत्रेंद्री के ऊपर, ध्यान से सुनिए, नीचे तो सबके होते हैं मूत्रेंद्री से नीचे तो हमारी जो खाल को लगते, लेकिन मूत्रेंद्री के ऊपरी हिस्से पर भी बाल मिलेंगे, बड़े बड़े बाल जमे हुए उगे हुए मिलेंगे। तो ये तो बिल्कुल प्योर पहचान है, किसने अपनी मूत्रेंद्री के साथ कभी रगड़ कभी छेड़छाड़े की ही नहीं है, ये बहुत विशेष पहचान है।
अब मेरा बहनों से और जो माता पिता वीडियो देख रहे हैं उनसे मेरा विनम्र हाथ जोड़ के निवेदन है, बहुत से बच्चे हैं जो जाने अनजाने में इस कुचेष्टा का शिकार हो गए और अब वो ब्रह्मचर्य नाश कर रहे हैं, लेकिन ये सील तो परमात्मा की लगाई हुई है, टूट गई तो टूट गई, इसको कोई बदल नहीं सकता। अब वो चाहे कितने अच्छे ब्रह्मचारी बन ले, लेकिन उसमें परिवर्तन अब बदलाव नहीं आ सकता। तो इसलिए बहुत से नौजवान हैं, अनेकों नौजवान हैं जिनको मैं जानता हूं, जिन्होंने बचपन में गलतियां की लेकिन बाद में बहुत अच्छे ब्रह्मचारी बन गए और शरीर वो सारी भरपाई बाद में कर लेता है। ये मत सोचना कि इसने ब्रह्मचर्य नाश कर लिया तो बिल्कुल इसका नाश हो गया है, अब इसके पास कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। ब्रह्मचर्य नाश करते हैं तो उनकी फिर बाद में ब्रह्मचर्य पालन करने लगते हैं तो उनकी सारी भरपाई हो जाती है। और मैं माता पिता से भी कहना चाहूंगा, हाँ एक मैं ये बात भी कहना चाहूंगा, जो माता पिता इस वीडियो को देख रहे हैं कि उनका बच्चा यदि आपको दिखाई दे तो उस बच्चे का साहस बढ़ाएं, उसको ये ना कहें तू तो इतने गलत काम करता है, तूने तो ये नाश कर लिया, बल्कि उसको साहस बढ़ाएं, उसका साथ दें कि बेटा गलतियां हो जाती हैं लेकिन ब्रह्मचर्य का पालन कर आगे से फिर सुधार हो जाएगा, पेड़ की एक टहनी कटने से पेड़ बर्बाद नहीं हो जाता, फिर शाखाएं उगती हैं, फिर फल फूल आते हैं, फिर कलियां आती हैं। तो इसलिए अपने बच्चों का उत्साह बढ़ाएं, उनका बहुत बच्चे हैं जिनका मेरे पास फोन आता है, मैं मेरे पास माता पिता के लिए कुछ करना चाहता हूं लेकिन मैं इस बुरी आदत में फंस गया हूं, मैं इसे निकल नहीं पा रहा हूं। तो बच्चे माता पिता से बहुत प्रेम करते हैं, वो आपके लिए कुछ करना चाहते हैं, तो अपने बच्चों का उत्साह बढ़ाना है, आपने उनका उत्साह नहीं गिराना है। मैं दूसरा निवेदन करना चाहता हूं उन बहनों से, जो बहनें वीडियो देख रही हैं जिनका अभी विवाह नहीं हुआ है, जब आपका विवाह होगा तो क्या होगा, आपको तुरंत पता चल जाएगा उसका जन्नाम को देख करके इसने ब्रह्मचर्य नाश किया हुआ है। तो मेरी बहनों आज के समय में बिल्कुल बाल ब्रह्मचारी तो बहुत कोई पुण्य कर्मों वाला मिल पाता है, आज के समय में बाल ब्रह्मचारी तो कोई लाखों करोड़ों में एक मिलेगा, फिर भी किसी से ऐसी गलती हुई हुई है तो आपने उसका उत्साह बढ़ाना है, बल्कि उसके बारे में कुछ ऐसी बात नहीं करनी कि बेचारा और मायूस हो जाए, बल्कि आपने देखना कि मैं इसका उत्साह बढ़ाऊंगी और इसका अच्छे से साथ निभाऊंगी। आजकल ये ब्रह्मचर्य की गलतियों के कारण बच्चे विवाह से बहुत डरते हैं, उनके मन में एक अलग सा भय होता है, बल्कि आपने उनका साथ देना है। और मैंने ये वीडियो आप सबके सामने रखी है परमपिता परमात्मा की कृपा से, ये जो अनुभव मुझे अनेकों साथियों ने दिए, उन साथियों ने मुझे अनुभव दिए जिन्हें हम होमोसेक्सुअल कहते हैं, जो पुरुषों के साथ संबंध बनाते हैं, उन्होंने मुझे बताया कि लड़कों के आकारों में क्या क्या बनावटें होती हैं, मैं उनका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। मैं उनका भी आचार्यों का भी धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने बहुत सी जानकारियाँ मुझे दी हैं। परमपिता परमात्मा का भी विशेष धन्यवाद है जिनकी कृपा से मेरा जीवन बचा हुआ है, मैं आप सबका बहुत धन्यवाद करता हूँ। और निवेदन करता हूँ जो अपना ये यूट्यूब चैनल है अग्नि देव नष्टी के नाम से मैंने नया चैनल बनाया है, इस पर सिर्फ ये एक वीडियो ही मैं ऐसी डाली है, बाकी सब वीडियो आप परिवार में देखकर सुन सकते हैं, ऐसी वीडियो इसमें हम डालेंगे। तो पहली वीडियो है तो आप जुड़े अधिक से अधिक और जोड़े कि भाई हम तो तब से जुड़े हुए हैं जब तक आपकी पहली वीडियो आई थी यूट्यूब चैनल पर, तो अधिक से अधिक आप चैनल पर जुड़े, चैनल को अधिक से अधिक भेजें, तो इसमें सहयोग करें। धन्यवाद सभी को, नमस्ते जी। तो हमने बाल ब्रह्मचारी की मुख्य मुख्य पहचानें देखी हैं कि जो ब्रह्मचर्य नाश करेगा उसकी मूत्रेंद्रिय का आकार बिना उत्तेजना के भी बड़ा मिलेगा, जो बाल ब्रह्मचारी होगा बिना उत्तेजना के उसकी मूत्रेंद्रिय बच्चों जैसी रहेगी। फिर हमने देखा कि जो बाल ब्रह्मचारी है उसका लिंग का आकार जैसा उसका रंग होगा वैसा ही रंग होगा, जो ब्रह्मचर्य नाश करते हैं यदि गोरा लड़का है तो उसका भी लिंग का आकार बदलकर काला हो जाता है। फिर हमने देखा कि जो ब्रह्मचारी है उसका लिंग आगे से पैना होता है, पीछे से चौड़ा होता जाता है, मोटा होता जाता है, जो ब्रह्मचर्य नाश करते हैं उसका आगे से लिंग ठूट सा हो जाता है, आगे से मोटा सा हो जाता है, ठूट सा निकल जाता है अलग से। जो बाल ब्रह्मचारी होता है उसका जो लिंग होता है वो कैसा होगा, बिल्कुल स्किन टाइट होती है ना, स्किन टाइट ऐसे होगा, उसकी पूरी जो चमड़ी होगी ना, चमड़ी जो उत्तेजना के बाद आकार बढ़ना है वो बिल्कुल लिंग के अग्र भाग पर रहेगी, बिल्कुल अग्र भाग पर, और बिल्कुल बंद सी रहेगी वो, उसमें से आप वो जो हमारा होता ना मणि होती है जो लिंग के आगे की, वो दिखाई नहीं देगी। जो ब्रह्मचर्य नाश करता है उसके पूरा लिंग के ऊपर ऐसी झुरिया सी, मतलब पूरे लिंग पर चमड़ी इकट्ठी सी मिलेगी और आगे से भी उसकी मोटाई सी मिलेगी। जो बाल ब्रह्मचारी होता है उसके अंडकोश छोटे छोटे मिलेंगे, जो ब्रह्मचर्य नाश करता है उसके अंडकोश बड़े बड़े मिलेंगे, लटके से मिलेंगे, थैले से मिलेंगे। और जो बाल ब्रह्मचारी होता है उसका जो लिंग है लगभग आधे भाग तक, पूरे भाग पर नहीं, लगभग आधे भाग तक लिंग के ऊपर भी बाल मिलेंगे जमे हुए उसके, और बिल्कुल के तो अग्र भाग पर भी बहुत बारीक बाल मिल सकते हैं,
वो दिखेंगे नहीं, बहुत सावधानी से देखने पड़ेंगे जिसने कभी भी उसको अपने लिंग को नहीं छुआ है। और हमने देखा जो बाल ब्रह्मचारी होगा उसके लिंग के अंदर टाइटपन होगा, और जो ब्रह्मचर्य नाश करेगा उसके अंदर ढीलापन आ जाएगा, ये भी हमने देखा है। तो हमने बहुत सी चीज़ें आपके सामने रखी। यहाँ पेशाब करते समय उसकी जो लिंग का जो सुराख है, जो छेद है, ब्रह्मचारी का बहुत भीड़ा छेद मिलेगा, जो ब्रह्मचर्य नाश करेगा वो छेद चौड़ा हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें हमने आपको बताई हैं। और देखते ही ब्रह्मचारी पालन करता है कि नहीं करता, जो बच्चों के कक्षों में मिलते ना अलग से मूत्रेंद्री दिखाई देती है, वो सब ब्रह्मचर्य नाश का परिणाम है। ये कुछ बातें मैंने आपके सामने रखी हैं।